निर्मला सीतारमण पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर संसद में हंगामा, बीजेपी सांसद पूनम महाजन का जवाब, वित्त मंत्री नहीं अधीर रंजन चौधरी है निर्बल। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लोकसभा में कांग्रेस का हंगामा, अधीर रंजन बोले, पीएम कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों के गिनाए आंकड़े, पिछले 3 साल में 4,50,175 लोगों ने सड़क दुर्घटना में गंवाई जान। एनजीसी कमांडो ने शिरडी साई बाबा मंदिर के पास किया मॉक ड्रिल, मंदिर के आसपास सुरक्षा कमियां की गई दूर, देश विदेश से बड़ी संख्या में साई बाबा के दर्शन। प्रियंका वाड्रा के घर की सुरक्षा में चूक पर भड़के रॉबर्ट वाड्रा, कहा सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा की बात नहीं, पूरे देश में सुरक्षा से किया जा रहा है समझौता। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरकार के फैसले को बताया सही, एसपीजी कवर सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए गठन किया गया, इसमें कोई राजनीति नहीं। केंद्र सरकार ने एसपीजी अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में किया पेश, बिल के विरोध में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने किया हंगामा। अयोध्या केस से जमीयत ने वकील राजीव धवन को हटाया, राजीव धवन ने कहा हटा नहीं हूँ हटाया गया है, फेसबुक पोस्ट में अपनी तबीयत बताई ठीक, मुस्लिम पक्ष ने कल ही दी है पुनर्विचार याचिका। कैग ने की दिल्ली सरकार की तारीफ, कैग ने कहा दिल्ली सरकार ने 5 सालों में सरप्लस रेवेन्यू को मेंटेन किया। महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स खतरे में, नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले 6 महीने के सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का मांगा रिव्यू, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मिलेगा पैसा जिनका काम हो चुका है पूरा। मेघालय के उमरोई में 8वां भारतीय चीन संयुक्त अभ्यास 7 दिसंबर से शुरू होगा, प्रशिक्षण में आतंकवाद रोधी अभ्यास और दूसरा मानवीय और आपदा राहत अभियान किया जाएगा। आरटीआई के दायरे में होगा देश का चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, रेस में सबसे आगे आर्मी चीफ जनरल रावत का नाम, 2 हफ्ते में ऐलान संभव, डोवल कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि डिफेंस बजट में नेवी का शेयर घटा, 2012-13 में था 18%, जो 2019-20 में घटकर हुआ 13%। झारखंड के खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, कहा बिरसा मुंडा की धरती पर आया हूं, एक बार फिर मैं करता हूं। झारखंड में पीएम मोदी ने गिनवाए रघुवर दास की सरकार के काम, कहा झारखंड में बना विकास का माहौल। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में टूटी नक्सलवाद की कमर, लोकतंत्र को मजबूत करने राष्ट्र निर्माण में झारखंड के लोगों की आस्था है अभूतपूर्व। हैदराबाद मामले पर नागौर नगर परिषद के पूर्व उपसभापति रूप सिंह पवार ने किया बड़ा ऐलान, जब तक पीड़िता को नहीं मिलेगा इंसाफ तब तक वो लोग नंगे पांव घूमेंगे। हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म और नृशंस हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर बेंगलुरु में प्रदर्शन, हाथों में तख्ती लेकर बड़ी संख्या में जुटी डॉक्टर और नर्स। ओडिशा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी कांस्टेबल जितेंद्र सेठी गिरफ्तार, 3 लोगों को हिरासत में ले पूछताछ, लिफ्ट देने के बहाने पुरी के पुलिस क्वार्टर्स में किया गया सामूहिक दुष्कर्म। राजस्थान की राजधानी जयपुर में युवती का अपहरण करके चलती कार में 12 घंटे गैंग रेप, 3 दिन पहले की है वारदात लेकिन पुलिस ने अब तक मामले को दबाए रखा। हैदराबाद गैंग रेप मर्डर मामले पर मानवाधिकार आयोग सख्त, केंद्र और राज्यों से मांगी निर्भया फंड के इस्तेमाल की जानकारी। साउथ अभिनेता चिरंजीवी ने कहा पिछले 2-3 दिनों में लड़कियों के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटनाएं दिल दुखाने वाली हैं। देश में लड़कियों के लिए एक असुरक्षा और डर का माहौल बन गया है। देश में पुलिस के संस्थान की जवाबदेही बढ़ाए जाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शुरू किया आमरण अनशन। पीएम मोदी को लिखा पत्र, लिखा वादे पूरा करने तक अनशन करती रहूंगी। हैदराबाद पीड़िता का परिवार तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और तेलंगाना की पुलिस से है काफी नाराज, उनके रवैये और बर्ताव से पीड़िता का परिवार दुखी।
हैदराबाद में महिला से दरिंदगी पर फूटा छात्राओं का गुस्सा। राजस्थान के अलवर में न्यायालय परिसर के सामने छात्राओं ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। पंजाब के वित्तीय हालात को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह से मिले वित्त मंत्री मनप्रीत बादल। सीएम ने राजस्व बढ़ाने के लिए दिए फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। केंद्र पर बकाया जीएसटी के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। हिमाचल में 3,636 शिक्षकों समेत कई विभागों में भर्ती का रास्ता साफ। मंडी के नगचला में हवाई अड्डे के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और प्रदेश सरकार के समझौते को मंजूरी। राजस्थान में गहलोत सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश को मिली नई स्वास्थ्य नीति। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। राजस्थान की सड़कों की स्थिति बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर। सड़कों के रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी। बिहार के बक्सर में अपराधी बेखौफ। खेत में अज्ञात युवती का मिला शव। गोली मारकर की गई हत्या। सबूत छिपाने के लिए शव को जलाया। बिहार के नालंदा में पति की हैवानियत। गर्भवती पत्नी और मासूम बेटी की गर्दन दबाकर की हत्या। शव बरामद होने के बाद इलाके में फैली सनसनी। बिहार के लखीसराय में महिला की निर्मम तरीके से हत्या। अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी महिला। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा। नोएडा के लोगों के लिए खुशखबरी। 15 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक को योगी सरकार ने दी मंजूरी। नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक जल्द दौड़ेगी मेट्रो। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम। मिट्टी ठेकेदार पर की अंधाधुंध फायरिंग। पीठ में गोली लगने से ठेकेदार हुआ घायल। जमीयत उलेमाए हिंद की रिव्यू पिटीशन का देवबंदी उलेमा ने किया समर्थन। बोले फैसला हमारे हक में आएगा। उत्तराखंड में श्राइन बोर्ड का विरोध जारी। देवप्रयाग के पुरोहितों और पंडा समाज ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मिड डे मील खाने से बिगड़ी 9 बच्चों की तबीयत। मिड डे मील में निकला चूहे का बच्चा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बाइकर्स लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से लूटे गए जेवर, अवैध असलहे और बाइक भी बरामद। गाजियाबाद में 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पति पत्नी और एक महिला ने 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। दीवार पर आर्थिक तंगी को बताया वजह। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में वीरभद्र न्यू ऋषिकेश रेल सेक्शन पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने का लिया गया फैसला। ट्रैफिक में हुए बदलाव। उत्तर प्रदेश की बहराइच में फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने रंगे हाथों ट्रक से वसूली करते हुए 3 को दबोचा। मध्य प्रदेश की भोपाल गैस त्रासदी की 35वीं बरसी पर सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राज्यपाल लालजी टंडन ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहला फुसलाकर युवक ने होटल में ले जाकर किया रेप। पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सरकार पर बोला हमला। पंजाब में गैंगस्टर्स के आगे सिस्टम बेबस। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पारा लुढ़का। तापमान पहुंचा 0। जल स्रोत जमने लगे। तापमान और गिरने की आशंका। सीबीएसई ने किया 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव। अब हर विषय के पेपर में 1 नंबर वाले 25% ऑप्शनल सवाल होंगे। सभी सवालों के 33% हिस्से में छात्रों को मिलेगा ऑप्शन। कांग्रेस को आयकर विभाग का नोटिस। हैदराबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से हवाला के जरिए 170 करोड़ फंड लेने का आरोप। पैसे के लेन देन से जुड़े कागजों को कांग्रेस नहीं कर पाई पेश। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पूर्व सांसद और वाईएसआर कांग्रेस के नेता वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या की जांच की तेज। पुलिस ने गुप्त रूप से उसके भाई वाईएस भास्कर रेड्डी और वाईएस मनोहर रेड्डी के साथ कुछ नेताओं के साथ में पूछताछ की। आंध्र प्रदेश पुलिस ने औरतों पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए हर गांव के पंचायत कार्यालय में एक महिला पुलिस वॉलंटियर होगी रिक्रूट। अभी तक आंध्र प्रदेश पुलिस ने 14,967 महिला पुलिस वॉलंटियर को किया रिक्रूट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बंदर कनाल में बह रही बूढ़ी महिला का किया रेस्क्यू। फर्स्ट एड के बाद अस्पताल पहुँचाया।
त्रिवेंद्रम में आज से बाइक चलाने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से निर्देश जारी। रामेश्वरम के गांधीनगर थिरुवेल्लूर पानी से लबालब, स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी, लोग अपने घरों में घुसे पानी को बाहर निकाल रहे हैं। कर्नाटक के शिमोगा में किसान ने अपने पालतू कुत्ते को बाघ बना दिया। किसान ने कुत्ते के फेरों को हेयर डाई लगाकर बाघ जैसा बनाया ताकि बंदर डरकर भाग जाएं। तमिलनाडु में और मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग उठी। फिलहाल राज्य में 33 कॉलेज हैं। केंद्र सरकार से और मेडिकल कॉलेज की मंजूरी की मांग उठी। हैदराबाद के मोइनुद्दीन ने छोड़ी MBA की नौकरी। गरीब और अनाथ बच्चों को खिलाता है फ्री में खाना। तीन दोस्त मिलकर करते हैं ये काम। मदुरई में महंगाई की मार, सब्जियों और फलों के दाम आसमान छू रहे। सब्जियां महंगी होने की वजह से लोगों के स्वाद का जायका हुआ खराब। तमिलनाडु में हो रही बारिश से जैस्मिन हुई महंगी। 1 किलो जैस्मिन फूल के दाम हुए 3,000 रुपए किलो, पहले मिलने थे लगभग 1,000 रुपए किलो। मदुरई के कई इलाकों में होती है जैस्मिन की खेती। सिंगापुर, मलेशिया, दुबई होती है एक्सपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से जैस्मिन की खेती। चेन्नई के मरीना बीच में बढ़ता जा रहा है झाग। जहरीले केमिकल्स की वजह से पूरे बीच में झाग, हो सकता है जलीय जीवों के लिए खतरनाक। दमन में तीसरी मंजिल से गिरने वाले 3 साल के बच्चे को लोगों ने कैच कर बचाया। तीसरी मंजिल पर खेल रहा बच्चा ग्रिल में फंस गया था। पूरी घटना CCTV में कैद। अहमदाबाद के ईसनपुर इलाके में हिट एंड रन की घटना का CCTV फुटेज आया सामने। सड़क किनारे सो रहे 3 मजदूरों पर चढ़ी कार, कुचलने के बाद कार सवार फरार। जयपुर के मंगरावाली ढाणी में एक बुजुर्ग महिला 90 फीट कुएं में गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सकुशल बाहर निकाला गया। बुजुर्ग महिला पूरी तरह से सुरक्षित। जलपाईगुड़ी में टास्क फोर्स की गाड़ी के नीचे आकर लेट गया एक तेंदुआ। तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइज किए बिना ही सीधे जाल डालकर पकड़ने की करते रहे कोशिश। टास्क फोर्स के 3 लोग घायल। NGC कमांडो ने शिरडी साई बाबा मंदिर के पास किया मॉक ड्रिल। मंदिर के आसपास सुरक्षा कमियां की गई दूर। देश विदेश से बड़ी संख्या में साई बाबा के दर्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, उद्योग जगत कई तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन अब सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठा रही है कदम। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान को 6.3% से घटाकर 5.1% कर दिया। मारुति ने लिया गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला। जनवरी 2020 से बढ़ सकते हैं दाम। मॉडल के आधार पर कीमत बढ़ाने का लिया गया फैसला। HDFC बैंक की नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवा 24 घंटे से ज्यादा से है ठप। कई यूजर बैंक से इसकी शिकायत ट्विटर पर भी कर रहे हैं। क्रिसमस के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया व्हाइट हाउस। पूरे व्हाइट हाउस में क्रिसमस के पेड़ लाइटों की रोशनी से जगमगाए। फिलीपींस के पूर्वी प्रांत में आंधी और मूसलाधार बारिश ने ढाया कहर। तूफान के कारण हजारों मकान क्षतिग्रस्त। भारी बारिश से एयरपोर्ट जलमग्न। कनाडा के टोरंटो में रेलवे टनल में उठी चिंगारी आग में बदली। आग लगने से ट्रेन यातायात हुआ प्रभावित। ट्रेनों से उतरकर पैदल टनल से वापस लौटे यात्री। अमेरिका में ठंड अपने शबाब पर। बर्फ की चादर में ढकी सड़कें। हवाई यातायात पर पड़ा बुरा असर। लोग घरों में रहने को मजबूर। सीरिया के इदलिब में हवाई हमले में 10 लोगों की मौत। सेना ने उत्तरी पश्चिमी हिस्से में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में किया था हमला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने माली में शहीद 13 फ्रांसीसी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे सबसे बहादुर सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगल में लगी भीषण आग, आग इतनी भयानक है कि शहर से गुजरने वाली हाईवे को बंद कर दिया गया। आग में बर्बाद हुए 650 से ज्यादा घर। चीन के ग्वांगडोंग में अचानक जमीन धंसने से 3 लोग लापता। मेट्रो लाइन की खुदाई के दौरान हुआ हादसा। प्रशासन ने एहतियातन पानी और गैस पाइपलाइंस किए बंद। आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता ने अरबों रुपए के कथित घोटाले में धोनी का नाम बतौर मुजरिम दर्ज किए जाने की मांग की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने दिया बयान, केवल भारत ही ऐसी टीम है जो मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा सकती है। कप्तान केन विलियमसन और रोस टेलर के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ। सीरीज पर न्यूजीलैंड ने जमाया 1-0 से कब्जा। ऑलराउंडर विजय शंकर रणजी ट्रॉफी में संभालेंगे तमिलनाडु की टीम की कमान। अश्विन, कार्तिक और मुकुंद को टीम में मिली जगह। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को बताया शानदार, लेकिन स्पिन आक्रमण को बताया कमजोर। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने आईपीएल 2020 की नीलामी से लिया नाम वापस। 2015 में आखिरी बार आरसीबी की तरफ से खेले थे स्टार्क। बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनस मेसी ने रिकॉर्ड 6ठी बार जीता बोलोन डी ओर अवार्ड। वर्जिल वान और रोनाल्डो को दी मान। स्विट्जरलैंड सरकार ने रोजर फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक का सिक्का किया लॉन्च, बने पहले जीवित स्विस जिनके सम्मान में सिक्का हुआ जारी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप। ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 48 रनों से जीता मैच। डेविड वार्नर बने मैन ऑफ द सीरीज। कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार घरेलू T20 टूर्नामेंट जीता। तमिलनाडु को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। कप्तान मनीष पांडे ने बनाए 60 रन। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्रियम गर्ग संभालेंगे भारतीय टीम की कमान। 17 जनवरी से 9 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा टूर्नामेंट। T20 क्रिकेट में नेपाल की महिला क्रिकेटर अंजलि चंद ने बिना कोई रन दिए 6 विकेट लेकर रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक में भारत हॉकी टीम को मिला कठिन पूल। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के साथ पूल ए में रखा गया भारत। भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का कार्यकाल समाप्त। 4 साल से MSK प्रसाद की अगुवाई में सेलेक्टर्स का पैनल संभाल रहा था कमान। पैडमैन एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने किया खुलासा, बदलापुर में बोल्ड किरदार निभाने के बाद राधिका को आने लगे एडल्ट कॉमेडी के ऑफर्स। वरुण धवन और नताशा दलाल की कुछ तस्वीरें हो रही वायरल। वरुण और नताशा लंबे समय से साथ हैं और वरुण ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर इस बात को किया था कबूल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के बायोपिक में काम करेंगी तापसी पन्नू। इस फिल्म का नाम होगा शाबाश मिठू। राहुल ढोलकिया बना रहे हैं फिल्म।